Yes, everyone. Good morning. How are you all? I hope you all are fit and fine. Dear students, here I am teaching the students of third class and subject EVS. Dear students, the name of chapter third is food. क्या नेम है बच्चों? Food. 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 Food means भोजन. And this is the part third of chapter third. In last two classes, I made you write meaning and I made you read the chapter. Okay? And today we are going to start part third. So are you ready to learn this part of the chapter third, food? Open your book, notebook, pencil box and get ready to learn this chapter third, food. And watch the video attentively. Okay? In last two classes, I told you about food. बच्चों, food means भोजन. भोजन हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है. Food is necessary for our life. भोजन हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है. और क्यों आवश्यक है? ये हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में. क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है. फूड गिव्स अस एनर्जी. भोजन से ही हम लोग ग्रोथ करते हैं. एंड फूड हेल्प्स अस टू ग्रो. तो एनर्जी मिलती है, हम लोग ग्रो करते हैं भोजन से ही. और भोजन ही हमें हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रखता है. ठीक है बच्चों? तो ये सब कारण है जिनके कारण हम रोज भोजन करते हैं. और भोजन हमारा पौष्टिक होना चाहिए, तब जाके हमारे वो जीवन में ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे को ग्रोथ प्रदान करता है और हमें अच्छी हेल्थ प्रदान करता है. तो आज से प्रॉमिस करें आप सर से कि आप अच्छे से अच्छी डाइट लेंगे, अच्छे से अच्छा फूड खाएंगे, ताकि आप भी स्ट्रॉन्ग बॉय बनो. ठीक है बच्चों? फिर हमने इसमें आपको बताया कि वेरियस सोर्सेज ऑफ फूड, भोजन के वेरियस सोर्सेज मतलब भोजन हमें कहां से मिलता है. तो भोजन हमें दो जगह से मिलता है, फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स. फूड फ्रॉम प्लांट्स, जो भोजन हमें पौधों से मिलता है बच्चों, वो हम रूट लीव्स सीड्स स्टेम्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के रूप में सेवन करते हैं. अर्थात पौधों से मिलने वाला भोजन हम लोग रूट के रूप में खाते हैं, लीव्स के रूप में खाते हैं, सीड्स के रूप में खाते हैं, स्टेम्स के रूप में खाते हैं, फ्रूट्स के रूप में खाते हैं और फ्लावर्स के रूप में खाते हैं. ये चीज हमने पिछले वीडियो में क्लियर कर दी है कि कौन कौन से भोजन के पदार्थ हम रूट फ्रूट्स फ्लावर इन सब के रूप में खाते हैं. आज का हमारा टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. ओके वाइज, तो भोजन जानवरों से. तो बच्चों, जैसे हमें पौधों से भोजन मिलता है, वैसे जानवरों से भी भोजन मिलता है. अब क्या क्या मिलता है हमें जानवरों से? फर्स्ट मिल्क, सेकंड एग्स, थर्ड हनी एंड फोर्थ मीट. तो बच्चों क्या क्या मिल रहा है एक बार रिवाइज करें. फर्स्ट मिल्क, सेकंड एग्स, थर्ड हनी एंड फोर्थ मीट. ये चारों चीजें हमें बच्चों जानवरों से भोजन के रूप में प्राप्त होती है. गॉट इट एवरीवन? तो बताओ व्हाट आर द फोर थिंग्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स एज अ फूड? यस, फर्स्ट इज मिल्क, सेकंड इज एग्स, थर्ड इज हनी एंड फोर्थ इज मीट. तो हम इसको अब डिटेल में पढ़ते हैं. मिल्क, काउज बफेलोज एंड गोट गिव जस मिल्क. काउ बफेलो गोट गिव जस मिल्क, हमें दूध देती है. तो बच्चों ये जो दूध हम पीते हैं सुबह और रात को सोने से पहले, ये दूध हमें किससे मिलता है? काउ बफेलोज एंड गोट से. क्लियर? मिल्क है कैल्शियम विच मेक्स अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. दूध में क्या होता है बच्चों, जो मम्मी पापा दादा दादी इतना पीछे पड़ते हैं आपके, चलो दूध पियो, मिल्क 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 प्योर रोज ग्लास फुल मिल्क. तो ये मिल्क हम लोगों को ग्लास फुल करके क्यों पिलाती है मम्मी पापा? क्योंकि इसमें क्या होता है? कैल्शियम. और कैल्शियम से क्या बनता है? बोन्स और टीथ स्ट्रॉन्ग.
तो हमारी बोन्स और टीथ स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है? दूध। इसलिए हमें डेली क्या पीना चाहिए? मिल्क। और ये कौन देता है मिल्क? काउ, बफेलो एंड गॉट। सेकंड एग्स। हेंस एंड डक्स गिव अस एग्स। हेंस एंड डक्स गिव अस एग्स। अंडे हमें कहां से मिलते हैं? हेंस से एंड डक्स से। गॉट इट? दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। और अंडे से क्या मिलता है? प्रोटीन। हमारी बॉडी में प्रोटीन की पूर्ति कौन करता है? अंडे करते हैं बच्चों। दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। एग्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो ये बोलते हैं सब छोटे छोटे सेंटेंस, इनको आप रिवाइज किया करो और एज इट इज बोला करो। एग्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। काउ, बफेलो, गॉट गिव अस मिल्क। इस तरह से थर्ड हनी। वी ऑब्टेन हनी फ्रॉम हनी बीज। हनी बीज का मतलब होता है बच्चों मधुमक्खी। तो मधुमक्खियों से क्या मिलता है? शहद। वी ऑब्टेन, हम प्राप्त करते हैं हनी शहद फ्रॉम हनी बीज मधुमक्खियों से। इट इज यूज एज ए स्वीटनर एंड आल्सो एन एंटीसेप्टिक। शहद को स्वीटनर और एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लिया जाता है। एंटीसेप्टिक मतलब जो हमारे घावों को भरने के काम करे वो होता है एंटीसेप्टिक, तो उसके रूप में। और मीठे के रूप में शहद को काम में लिया जाता है। फोर्थ इज मीट। द फ्लेश ऑफ एनिमल इज इटन एज मीट। किसी भी जानवरों के मांस को मांस के रूप में खाया जाता है। इट हेल्प्स अस टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। ये हमें मजबूत बनाता है। इट हेल्प्स अस टू ग्रो स्ट्रॉन्ग। ये हमें ज्यादा मजबूत बनाता है। फूड हैबिट्स अगला टॉपिक है बच्चों, फूड हैबिट्स। तो इज इट क्लियर? सोर्सेज ऑफ फूड, तो दो सोर्स है बच्चों फूड के, वन इज प्लांट एंड सेकंड इज एनिमल, एंड बोथ आर क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक फूड हैबिट्स। पीपल हु ईट वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन। बच्चों दो तरह के लोग होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी को बोलेंगे हम लोग वेजिटेरियन और मांसाहारी को बोलेंगे नॉन वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन कौन हुए बच्चों? पीपल हु ईट वेजिटेबल्स फ्रूट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन। तो जो जो लोग फल सब्जियां और दूध से बने उत्पाद खाते हैं उन्हें वेजिटेरियन कहा जाता है। पीपल हु ईट मीट फिश एग्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। और ऐसे लोग जो अंडे मछली मांस और साथ में हरी सब्जियां और दूध के प्रोडक्ट तो खाते ही हो उन्हें कहा जाता है नॉन वेजिटेरियन। क्या कहा जाता है बच्चों? नॉन वेजिटेरियन अर्थात मांसाहारी। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स इन फूड। भोजन में न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है बच्चों पौष्टिक तत्व। भोजन में पौष्टिक तत्व, तो पौष्टिक तत्व नाम से ही पता चल रहा है ऐसे तत्व जो हमारे जीवन का पोषण करे, हमें स्ट्रॉन्ग बनाए, ऐसे तत्वों को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। फूड कंटेंट्स फाइव मेजर न्यूट्रिएंट्स। पढ़ो सबको सर के साथ, फूड कंटेंट्स फाइव मेजर न्यूट्रिएंट्स। भोजन में पांच पोषक तत्व होते हैं। कितने पोषक तत्व होते हैं बच्चों? फाइव। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट्स, थर्ड विटामिन्स, फोर्थ मिनरल्स एंड फिफ्थ प्रोटीन्स। तो बच्चों बोलो सर के साथ, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट्स, थर्ड विटामिन्स, फोर्थ मिनरल्स एंड फिफ्थ प्रोटीन्स। तो दीज आर द फाइव न्यूट्रिएंट्स व्हिच वी हैव इन अवर फूड। फूड कंटेन्स ऑल दीज फाइव न्यूट्रिएंट्स। इज इट क्लियर? तो बच्चों हम आज इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने फूड के बारे में, हमारे सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में, प्लांट्स एंड एनिमल्स के रूप में, उसके बाद फूड हैबिट्स के बारे में, एंड लास्ट में न्यूट्रिएंट्स इन फूड्स के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आप वीडियो को एक दो बार देखें, चैप्टर को रीड करें और समझें हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। आज के होमवर्क में आपको वन पेज की डिक्टेशन लिखनी है। गॉट इट? हैव अ नाइस डे। बाय बाय, सी यू टुमारो।